प्लीज। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूँ TSL में। आज हम TSL सुपर 30 बैच की जो एक स्पेशल सेशन है, यानी कि पेस परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सेशन, जो केवल सुपर 30 स्टूडेंट्स के लिए किया जा रहा है, उसमें आज हम एक स्टूडेंट का इवेल्युएशन करेंगे और ये बताएंगे कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है और वो सफलता से कितनी दूर है। ऐसा ही चलता रहा तो कितने दिन में उसकी सफलता सुनिश्चित की जा सकेगी, इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देखिए, पहले भी हम बहुत सारे पेस सेशन अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब पे, तो उसी सीरीज को आगे करते हुए हम ये सेशन अपडेट कर रहे हैं। देखिए, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सेशन से होता क्या है, इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को खुद के पॉजिटिव पॉइंट्स का पता लगता है और नेगेटिव पॉइंट्स का पता लगता है। तो स्टूडेंट पॉजिटिव पॉइंट को रिटेन कर पाता है और नेगेटिव पे के ऊपर और काम करने लगता है, जिससे उसको सिलेक्शन में अच्छे मार्क्स मिल सके और जहां वो चाहे वहां सिलेक्शन उसको मिल जाए। ऐसा नहीं है रैंक ज्यादा है, एम्स कल्याणी मिल रहा है या इधर मिल रहा है, ऐसा ना हो उसके साथ, जहां वो चाहे वहीं सिलेक्शन मिल जाए। तो ये ही पहचान है सुपर 30 की। तो मैं आज जिनका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन सेशन कर रहा हूँ, उनका नाम है युधिष्ठिर करके और काफी सिंसियर स्टूडेंट है, तो मैं उनको एक बार स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। आइए युधिष्ठिर जी। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। जी, जो मैं सवाल पूछूं, कैमरे की तरफ देखिए, जो मैं सवाल पूछूं उनका पूरी ईमानदारी से जवाब देना है, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, वरना मैं एम्स की कसम दिला दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, कि कहीं ऐसा हो, कोई छोटी मोटी कमी हो तो आपको सबके सामने बोलना है कि ये कमी इंस्टीट्यूट की रही, हम उस पर काम करेंगे, ठीक है, और जो चीज आपको मिली है उसके हिसाब से जो भी हो सही व्यू रखना है, और फिर हम भी डेफिनेटली सही व्यू रखेंगे, चाहे आपको उसका गलत ही लगे। चलिए बात करते हैं कि आपको TSL के बारे में कैसे पता लगा। सर, अगर मैं TSL की बात करूँ तो मैं 2020 से आपका ऑनलाइन स्टूडेंट रहा हूँ, मतलब रेगुलरली जुड़ा रहा हूँ, पर उस 2021 में मैं जॉब में था तो उस दौरान मैं मतलब कनेक्टेड नहीं था, पर उसके बाद आपने ऑफलाइन बैच अनाउंस किया, फिर सुपर 20, तो उससे देख के ना थोड़ा सा मोटिवेशन आया कि अब ऑफलाइन आ रहा है और सुपर 20 मतलब कि वो 20 बच्चे जिन पे सर फोकसली स्टडी करेंगे, तो उसी वाली बात हो गई, तो इसलिए मैंने फिर आके सीधा एडमिशन ही लिया। तो युधिष्ठिर जी, आपको ऐसा नहीं लगा क्या कि मतलब बहुत सारे कोचिंग में हजारों बच्चे रहते हैं, या 200-300 दिल्ली में बोले तो 200-300 बच्चे एक साथ बैठे हैं, ऐसे टीवी में देख देख के पढ़ रहे हैं, क्योंकि टीचर दिख नहीं पा रहा, टीचर को भी स्टूडेंट की आंख नहीं दिख रही है ना, कि वो सो रहा है या जाग रहा है, ठीक है, क्या हाल। तो ऐसा अजीब नहीं लगा कि यार ये केवल 30 ही बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्या पता कम बच्चों में कैसे पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? सर, कैसे बिलीव किया मतलब? पर ऐसा था सर कि इससे पहले मैं जिस कोचिंग में पढ़ा था उसमें, बट उसमें यही प्रॉब्लम थी कि ना जिस बच्चे के डाउट होते, जैसे हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो डाउट सर हर एक टॉपिक में रहते, क्योंकि कॉलेज में हमने नहीं पढ़ाई करी, पर जैसे हम उस इंस्टीट्यूट में थे तो हम अपने डाउट क्लियर नहीं कर सकते थे, पर यहाँ का जो सबसे बेस्ट तरीका ये था कि हम टीचर को पकड़ सकते हैं अपने डाउट्स के लिए कि सर ये हमें प्रॉब्लम है, आप इसमें हमारी हेल्प कीजिए, और हम ऐसे ये चीज़ हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, हम यहाँ पर हमारी कमी हो रही है, आप इसमें हमारी हेल्प कीजिए। तो ये एक सबसे बढ़िया एक हमारे लिए तरीका रहा कि यहाँ पे 20 स्टूडेंट थे तो मतलब इंटरेक्शन बहुत अच्छे तरीके से हो पा रहा था हमारा। जी, अभी भी हो रहा होगा वो तो? बिल्कुल सर, मैंने कंप्लीट हो चुका, बहुत ज्यादा होता है सर, अब तो बहुत बढ़िया रहा है, अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सर एकदम। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आप आए थे तो अच्छे बड़े बड़े टीचर दे दिए हो कहीं बाहर से लाके और अब वो टीचर ही नहीं हो, ऐसा है क्या? नहीं सर, वही फंडामेंटल उस टाइम कोई और पढ़ा रहा हो, कोई और पढ़ा रहा है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है ना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सर, वही टीचर है एज इट इज। चलिए फिर हम बात करते हैं, आपके सेशन की तरफ जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, कुछ लाइनें मैंने आपके लिए लिखी है क्योंकि आप काफी मेहनती इंसान रहे हैं, ऐसा आपका स्कोर बोर्ड बता रहा है, ठीक है, तो ये आपको पहले ही पता है कि कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, किस्मत तो जुए में ही अजमाई जाती है। बात बिल्कुल सही है कि किस्मत से तो युधिष्ठिर सिलेक्शन लेना ही नहीं, जो आप एम्स चाहते हो ना उसी में सिलेक्शन मिलेगा, डेफिनेटली मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि जो आप एम्स चाहते हो उसी में सिलेक्शन मिलेगा। और आगे की बात कर रहा हूं मैं, ये आपका कंप्लीट जो स्कोर बोर्ड है ये सामने, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, जब आप यहाँ पे आए थे तो हमने स्क्रीनिंग टेस्ट आपका लिया था और आपके 50 में से 20 मार्क्स थे, ठीक है, अभी भी लोगों के 50 में से 20 मार्क्स नहीं आ रहे बहुत सारे बैचेज में, ठीक है, फिर भी आपके 50 में से 20 मार्क्स थे, तो जो आप बोल रहे थे ना कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ऐसा तो नहीं था, कि थोड़ा ठीक से आपको पहले से भी नॉलेज काफी कुछ रहा है, अब भले ही वो यूट्यूब की क्लास लेके रहो या आपके टीचर्स ने जिसने भी हेल्प की उसके थ्रू रहे,
ठीक है, बट एक टाइम जो कमी थी जब आप आए थे वो ये था कि आपके नेगेटिव कंट्रोल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और 53% की एक्यूरेसी के साथ ही आपने लीड किया। मतलब 53% एक्यूरेसी का मतलब समझ रहे हो कि जो टोटल क्वेश्चन किए हैं उसमें से राइट कितने किए हैं उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। तो 53% एक्यूरेसी के साथ सर्विस लगना नामुमकिन है, ये पक्की बात। तो ये जब आप आए तो नेगेटिव कंट्रोल आपके नहीं हुए, बाकी नॉलेज थोड़ा ठीक था आपको। अब जैसे भी रहा हो, टेस्ट वन जब हमने कंडक्ट किया तो आपके 40 में से 16 मार्क्स आए, मतलब थोड़े से कम हुए, बट कहीं ना कहीं आपने एक्यूरेसी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया कि जो नेगेटिव कंट्रोल करना चाहिए वो आपने इस पे काम किया। सेकेंड टेस्ट की मैं बात करूं तो कमाल हुआ और होना भी चाहिए था एज एक्सपेक्टेड कि 40 में से आपके नंबर आए 29, मतलब 80% के आसपास नंबर आपने गेन किए। और उससे भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि एक्यूरेसी 86% आई, इसी का हमें इंतजार होता है और वो यहाँ पे हुआ और आपने अच्छी रैंक भी ऑफलाइन में यहाँ पे हासिल की। तो ये जब आए उससे बहुत जल्दी इन्होंने छलांग लगाई और 15 दिन के अंदर ही इन्होंने देखो 86% एक्यूरेसी और 80% के समथिंग इन्होंने मार्क्स गेन किए, जो बहुत बढ़िया बात है। मतलब इस हिसाब से चले तो सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। दूसरा टेस्ट हुआ और अच्छी बात हुई, एक्यूरेसी आपने 85% मेंटेन करके रखी टेस्ट 03 में, और देखिए यहाँ पे भी आपने 78% मार्क्स लेके आए, 60 से ऊपर ही सिलेक्शन हो जाता है इतने ज़्यादा मार्क्स लाने के में, तो फिर आपको जो चाहिए वो मिल ही जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक रहा। एक फिर टेंशन का विषय आया थोड़ा सा, कब, जब बैच 4 का टेस्ट 4 आपको लगा, आपने ओनली जो यहाँ पे मार्क्स लेके आए वो कितना 46% के समथिंग आप मार्क्स लेके आए और एक्यूरेसी 68% हुई, इसलिए आप उस लिस्ट से ही बाहर हो गए। ठीक है, यहाँ पे ही तब तक एक महीना हो चुका था, हर स्टूडेंट के लाइफ में ये फेज आता है, कोई ऑनलाइन मुझे सुन रहे हो ध्यान से समझे कि एक महीने रहता है जोश कि ये कर देंगे, उखाड़ देंगे, है ना, ये कर देंगे, एक बार मास्टर बोल दे तुरंत याद कर लेंगे, वो कर देंगे। ऐसा इनके साथ भी हुआ और इन्होंने पढ़ाई को मुझे लगता है कि छोड़ दिया, बाकी हकीकत में देख बताएंगे। बताइए इस टेस्ट में आपके क्यों कम मार्क्स आए सभी के सामने कैमरे की तरफ देखिए। सर इसमें कम मार्क्स आने का एक रीजन था कि ना मेरी क्रेविंग बढ़ गई थी कि क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए जाएं, और ये मैंने ध्यान नहीं दिया कि नेगेटिव कंट्रोल मेरे को बहुत ज्यादा पहले सीखनी है, तो मैंने ज्यादा करने के चक्कर में बहुत ज्यादा गलत कर दिए, मतलब डाउटफुल भी कर दिए मैंने। मतलब शॉर्टकट चाहिए था। ये चाहिए थे कि मतलब 100 क्वेश्चन है तो 98 करने ही करने हैं। जी, आपको इस कैमरे की तरफ देखना है ना, बहुत सारे कैमरे लगे हैं। चलिए बात करते हैं टेस्ट 05। ये बात सबसे बढ़िया बात है कि खुद ही आपको समझ में आ गई, जब हम समझाते उससे पहले ही आपको समझ में आ गई और इन्होंने लाजवाब काम किया। आप देखिए 37 मार्क्स किस में से, 50 में से, मतलब यदि ये होता तो 74% इनके मार्क्स हैं, यदि 100 का होता तो, और 90% एक्यूरेसी। ठीक है मेरे भाई, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एडिशनल जो आप कर रहे हो वो करते ही रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है, डेफिनेटली बोल रहा हूं कि सिलेक्शन होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता इस चीज से। हाँ, ध्यान से समझना, घबराना नहीं है एग्जाम देने से पहले, उसके लिए आपको हम TSL की ओर से बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको देंगे, वो भी आपको इस पे तैयारी करनी है, सीरीज भी आपको यहाँ पे अटेंड करना होगा, सीरीज भी आपको अटेंड करनी है, और एग्जाम से पहले बिल्कुल मत घबराना क्योंकि जो यहाँ है वो ही वहाँ होगा, नया कुछ भी वहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, इतने ही मार्क्स आएंगे, ऐसे ही मार्क्स आएंगे और बहुत बढ़िया आपका नंबर भी आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बट कहीं ऐसा ना हो मेरी ये तारीफ आखिरी बन जाए और तुम पढ़ना छोड़ दो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये मेंटेन करके रखोगे? जी सर। क्योंकि एक्यूरेसी सही है, ये सही है, मुझे ये वाला ही युधिष्ठिर चाहिए जो पहले इधर था, बीच में थोड़ा गड़बड़ हो गया बट उसके बाद से ठीक है। आपके ब्रदर भी अभी सर्विस लगे, सुना है? यस सर। ठीक है, तो उन्होंने बताया आपको इधर आने के लिए, और बहुत बढ़िया बात है, वो तो लग ही जाएंगे और आपको भी लगना है। जी सर। ठीक है, मतलब तभी जाके बात बनेगी कि एक को देख के दूसरा भी लगा, और उन्होंने आपको हमारे बिलीफ पे छोड़ा है तो हम डेफिनेटली आपका सिलेक्शन देख के रहेंगे। तो एक बात बताइए, क्या आप दूसरे स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहोगे कि सुपर 30 बैच ज्वाइन करना चाहिए, या फिर ये सब हवाई बातें हैं, या बड़े बड़े ब्रांड के नीचे जाना जरूरी है, हाँ, कि 1 किलोमीटर की छत हो उसके नीचे बाहर 3-4 गाड़ियां खड़ी रहे मास्टर की, ऐसा
नहीं सर ऐसा नहीं है, अगर वैसे तो हम सबको सजेस्ट करते हैं कि भाई टीएसएल में आओ, पर मैं तो ये बोलूँगा कि ना आओ मत, आके देख के एक दो दिन पढ़ो तो तुम खुद ही रुक जाओगे। मैं कह रहा हूँ जा ही नहीं पाओगे, ऐसे टीचर हैं बिल्कुल आर पार गए हैं, मतलब ग्राउंड टू लेवल बात कर रहा हूँ कि ऐसे टीचर हैं जो आपको आपकी लैंग्वेज में समझाओगे जैसे आप समझना चाहते हो, बिल्कुल ऐसे टीचर हैं। एक दिन सिर्फ दो दिन दे दो टीएसएल को कि भैया टीएसएल को दो दिन क्लास देने दो अपनी, जो टीचर आएंगे बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त टीचर आने वाले हैं। चलिए ये बात हम आपकी मानते हैं कि टीचर बहुत मेहनत करेंगे जी जान से, नखरे वाले टीचर नहीं है, ठीक है। बट दो बात उनके लिए कहिए जो स्टूडेंट हमारी बात को मानते नहीं और पढ़ते नहीं, कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए कि उनको क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए सर, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए बस, नहीं तो देर सवेर ये बात तो होनी है, फेल हो जाएंगे तो क्या करें, समय रहते हुए पढ़ना चाहिए, यही है सर। चलिए ठीक है, युधिष्ठिर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने पक्ष रखा अपना, और हम डेफिनेटली ये चीज़ बोलते हैं कि सिलेक्शन होगा ही, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ कि सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है, जान लगा देंगे, बस तुम खड़े रहना साथ में, और ऐसे ही रिजल्ट्स मुझे आगे भी चाहिए। फिर भी ये आपको पता है इससे भी ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आपके बैच में, यस सर, ठीक है, ऑनलाइन वाले इससे भी ताबड़तोड़ पढ़ने वाले हैं, तो इस बार कुछ अलग होने वाला है नॉर्सेट में, और इस बार हम डेफिनेटली बहुत अच्छे कम से कम 3 डिजिट में सिलेक्शन तो देंगे ही देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ ठीक होगा और आप ऐसे ही मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत।